मानव ने विकास के क्रम में धरती के काफी रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। हालांकि हमें अपने इतिहास यानी पूर्वजों की सबसे कम जानकारी मिलती है। मानव जीवन के इतिहास की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहते हैं। ऐसे ही एक नए अध्ययन से पता चला है कि संभावित पहले आदि मानव कौन थे। प्रारंभिक मानव से लेकर आधुनिक मानव तक के मानव विकास में कई परिवर्तन हुए। इस प्रक्रिया में इंसानों की अलग अलग जीवन शैली देखी गई। वे शिकारी से खाद्य उत्पादक बन गए। उन्होंने ऐसी कई चीजों की खोज की जो संशोधित संस्करण में आज भी उपयोग में है। इसके बाद खेती के विकास के साथ उन्होंने एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के लिए आश्रय विकसित करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और यह धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलते गए। पहले यहाँ लोग छोटे समूह में रहते थे और फिर बड़े समूह में स्थानांतरण हो गए। उनसे गांव की अवधारणा बनी, सांस्कृतिक अनुकूलन आसान हो गया। जलवायु परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए वे खुद को या तो पेड़ों की उपज जैसे पत्तियों या छालों या जानवरों की खाल से ढकते थे। समय के साथ उन्होंने आग की खोज की और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति 2 लाख से 7 लाख साल पहले अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में बताई थी। कई वर्षों तक ये आधुनिक मानव कच्चे और अल्प विकसित पत्थर के औजार बनाकर अपने पुराने जमाने की तरह व्यवहार करते थे। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि मनुष्य कब आधुनिक दिखने लगे और कब आधुनिक व्यवहार करने लगे, इसका कोई सटीक प्रमाण मौजूद नहीं है। अफ्रीका में जनसंख्या में वृद्धि ने लोगों के लिए पड़ोसी समुदायों के साथ संपर्क विकसित करना आसान बना दिया है। संभवतः उन्होंने संभोग साझेदारी का आदान प्रदान किया। इसके बाद इनके विचारों और जीन्स का आदान प्रदान हुआ। इसीलिए इन्होंने आविष्कारों के लिए मंच तैयार किया। लगभग 45,000 साल पहले अफ्रीका से यूरोप की ओर इन्होंने प्रवास करना शुरू किया। यूरोप में जब आधुनिक मानवों की प्रजाति का आगमन हुआ, तब नियंत्रण स्थल पहले से मौजूद थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को वहां से खत्म कर उनकी संख्या उनसे ज्यादा कर दी। 25,000 वर्ष पहले हिमयुग के दौरान जब यूरोप के लगभग पूरे उत्तरी हिस्से बर्फ से ढकने लगे, तो इनकी संख्या में गिरावट शुरू होने लग गई। इसीलिए इस युग के अंत में जनसंख्या फिर से बढ़ने लगी। 11,000 साल पहले खेती और व्यवस्थित जीवन के आगमन के साथ महिला प्रजनन क्षमता में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप नवपाषाण काल की पूर्व संध्या पर जनसंख्या 6 से 7 मिलियन तक पहुंच गई। प्रारंभ में आधुनिक मानव छोटे समूह में रहना पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे बड़े समूह में जाने लगे जो पारस्परिक संबंधों के माध्यम से बने थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।